बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर करीम उरानी की बेटी शज़ा उरानी कोरोना वायरस हुई हैं। वहीं अब खबर है कि उनकी दूसरी बेटी जोया का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस जोया उरानी को कोरोना के लक्षणों को देखते हुए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन ICU में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि इस समय दोनों बहनों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में करीम उरानी का परिवार रहता है उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। आसपास के इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिस इलाके में करीम उरानी का परिवार रहता है वहां पर कई बड़े सितारे रहते हैं। बता दें कि पहली बेटी की पुष्टि खुद करीम उरानी ने की थी। उन्होंने बताया कि सजा पॉजिटिव पाई गई है लेकिन उनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। जोया उरानी को शाहरुख खान ने साल 2011 में फिल्म ऑलवेज कभी कभी से लॉन्च किया था। इस फिल्म में उनके साथ अली फजल और सत्यजीत दुबे थे। वो आखिरी बार वेब सीरीज भूतपूर्व में नजर आई थी। इसके अलावा वो मस्तान, भाग जानी भाग, अखूरी जैसी वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। बता दें कि जोया उरानी फिल्म ओम शांति ओम और फिल्म हल्ला बोल में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और भारत इस जंग का हिस्सा है। इस जानलेवा वायरस से दुनिया भर में अभी तक करीब 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत में भी इसके मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं।